हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं, आवाज आ रही होगी तो यहां पे यूपीएसआई 2024 को टारगेट में रखते हुए हम लोग यूपीएसआई 2021 के पांच सबसे बेहतरीन टाइप को कवर करने वाले हैं यहां पे एग्जामिनर ने किस तरीके के सवाल को बार बार दिया है अच्छे सवाल थे आइए जल्दी से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं

आपके एग्जाम में 2021 में दिया था 16 नवंबर पहली शिफ्ट में ठीक है तो आइए ये सवाल क्या है आइए सवाल को देखते हैं श्री जैकब ने क्रम से 20 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजना ए और बी में सत्रह हजार पांच सौ का निवेश किया यदि दो साल में अर्जित साधारण ब्याज कुल राशि इतने रुपए है तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी इतना सा ये सवाल जानना चाहता है तरीके दो होते बेटा एक तो एलिगेशन होता है एक जेएसएम होता है तो किससे जल्दी हो सकता है हम उस तरीके की बात करेंगे तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अगर यहां पे बात करें बीस परसेंट साढ़े सात परसेंट और ये है दो साल की बात हमने किसी को सत्रह हजार पांच सौ रुपए दिए ध्यान से सुनिएगा मैंने हर टाइप के दो सवाल रखे हुए हैं आपको एक टाइप क्लियर होगा तो दूसरा अपने आप ही सवाल मतलब एक सवाल क्लियर होगा तो दूसरा सवाल अपने आप ही क्लियर हो जाएगा अब यहां पे से देखने की जरूरत है बेटा आपने साढ़े सात परसेंट दो साल के लिए तो क्या मैं कह सकता हूं बीस दूनी चालीस और साढ़े सात का दुगना पंद्रह तो मैं यहां पे पंद्रह परसेंट ले लेता हूं चूंकि ये चालीस होगा ब्याज क्या होता है दर गुना समय तो बीस दूनी चालीस होगा तो क्या चालीस को लिख सकता हूं पंद्रह प्लस में पच्चीस ध्यान से देखकर बताओ मेरे भाई कर सकते हैं अब आप इसका निकाल दीजिए कम से कम पंद्रह परसेंट तो इसका पंद्रह परसेंट जो ब्याज बनता है वो बनता है पंद्रह पांच पिछहत्तर सात पंद्रह सत्तर सौ पांच और सात एक सौ बारह यानि के ग्यारह पंद्रह पंद्रह और ग्यारह छब्बीस ठीक है मेरे भाई लेकिन ब्याज तो हमें सैंतीस सौ पिछहत्तर मिला था ब्याज तो में से 3775 रुपए मिला था तो इसका मतलब ये डिफरेंस कितने का बनेगा और ये डिफरेंस बनेगा मेरे भाई आप देखेंगे 75 से 25 गया तो रुपए तो यही बन गया ठीक है 37 और 26 का अंतर 11 बन गया तो जो भी राशि आपने इधर दी थी उस राशि का 25% ब्याज इतना है और हमसे क्या जानना चाहता है योजना ए में निवेश की गई राशि क्या है मतलब कि ये है अपनी योजना ए और ये है योजना बी तो मेरे इस योजना ए का ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना है मेरे भाई ट्वेंटी फाइव परसेंट है मेरे भाई ग्यारह सो पचास रुपए यानी कि हंड्रेड परसेंट क्या होगा इसका चार गुना तो इसका भी चार गुना कर दीजिए चार चार पंजे बीस दो ग्यारह चौके चवालीस और दो छियालीस तो ये आप कह सकते हैं कि छियालीस सौ रुपए मैंने कहा दिया होगा योजना ए में दिया होगा और बाकी पैसा आप घटा दोगे तो योजना बी का हिस्सा हो जाएगा क्या आप इस तरह का एक और सवाल करके दिखा सकते हैं देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपका इसी टाइप का मैंने लिया है टोटल पांच टाइप कवर कराऊंगा पांच टाइप कवर करने में हम लोग हर टाइप का दो सवाल करने वाले हैं अब इस सवाल को देखिए ए नो साधारण ब्याज पर एक्स को पच्चीस का एक हिस्सा उधार देता है शेष हिस्से को पांच प्रतिशत साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है चार वर्ष के बाद उसे कुल मिलाकर इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है मतलब आपने इतना दिया और इतना को रिटर्न में मिल गया ठीक है तो वाई को कितनी राशि उधार दी गई ये आपसे जानना चाहता है तो कैसे करेंगे मेरे भाई तरीका वही है आप इसका नौ चौके छत्तीस और पांच चौके बीस तो इतना कर लेंगे पैसा कितना था मेरे भाई पच्चीस था पच्चीस आठ सौ का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बोलो पांचों के बीस परसेंट ब्याज और नोचो के छत्तीस मतलब बीस तो होगा ही होगा सोलह परसेंट ज्यादा ब्याज मिलने वाला है इधर तो इसका बीस परसेंट आप निकाल लो तो बीस परसेंट हो जाएगा मेरे भाई दो अठी सोलह एक है ना तो पच्चीस दोनों पचास और एक इक्यावन यानी कि इक्यावन सो साठ अब जरा इसका डिफरेंस मुझे बता दो कि आपको या, आखिर ब्याज कितना मिला है तो आप कहोगे सर चालीस रुपए मेरे को दिखाई दे रहा है चालीस तो ये हो गया और पांच में से आठ नहीं जाएगा तो पंद्रह में से आठ गया मेरे भाई सात हो गया और बत्तीस में से पच्चीस गया तो मेरे भाई ये भी सात हो गया अब डिफरेंस आप कर लोगे तो यहां पे देखिए जीरो चौदह में से छह गया मेरे भाई आठ और ये छह में से एक गया मेरे भाई पांच और सात में से पांच गया मेरे भाई पच्चीस सौ अस्सी का ब्याज मिला है यानी कि इस राशि का सोलह परसेंट ब्याज है जानना क्या चाहता है वाई अब वाई को किस रेट से हमने पैसा दिया था तो एक्स को दिया था नौ परसेंट साधारण ब्याज पर एक्स को दिया था और बाकी हिस्सा मैंने वाई को दिया था तो ये हमारा एक्स का हिस्सा हो गया ये वाई का हो गया तो एक्स का हिस्सा है कितना मेरे भाई इसका सोलह परसेंट पच्चीस सो अस्सी रुपए को रिप्रेजेंट करता है तो भाई ये एक्स कितना होगा आप कहेंगे सोलह सोलह नो सोलह छियानवे ठीक है सोलह छिकम छियानवे बचेगा कितना दो सोलह एकम सोलह सही है भाई सोलह परसेंट हम निकाल रहे हैं तो सोलह कम सोलह नो सोलह छिकम छियानवे दो सोलह एकम सोलह और चार बचेगा चार बचेगा तो ये चालीस सोलह दो बत्तीस सोलह पंजे अस्सी सोलह एक सौ पच्चीस आ जाएगा ठीक है ये कैसे आया बेटा बटे सो भी तो आएगा ना उस तो सो की गुना कर लोगे आप इसे कैलकुलेट करोगे सोलह एक सौ पच्चीस तो पच्चीस आठ सौ में से सोलह एक सौ पच्चीस घटा दो वाई का हिस्सा आ जाएगा वाई का हिस्सा कितना आएगा मेरे भाई दस में से पांच गया पांच बोलो नौ में से दो गया सात सेवेंटी फाइव तो सारी जगह है यानी कि सात सात में से एक गया छह और 25 में से 16 गया यानी कि नाइन सिक्स सेवन फाइव तो ये सवाल थोड़ा सा इस डेटा के बारे में ना पूछ के इसके बारे में पूछ लिया तो कोई दिक्कत है क्या छियानवे सौ पिछहत्तर उसी तरीके से निकाल सकते इसमें एक काम और कर सकते थे आपको पता है क्या है कि बेटा जो ब्याज हमें ये मिला है अगर आप इसे चार से भाग दे दोगे तो ये सवाल थोड़ा और आसान कर पाओगे कैसे चार से भाग किसको दोगे जो ब्याज मिला इसे भाग दे देना ठीक है इसे भाग देने के बाद आपको ना तो नौ के साथ चार की गुणा करने की जरूरत थी ना पांच के साथ चार आप खाली पांच और नौ वाली रेट से भी सवाल कर सकते थे ठीक है इस बात को याद रखिएगा मैंने आपको इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन की जो है टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा ठीक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते मोहित सर एग्जामपुर से तो आइए सवाल के बारे में समझते हैं इस सवाल के बारे में जानते वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित छह प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर एक साल के लिए अट्ठाईस हजार रुपए पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर क्या है तो ये है अपना सेकंड टाइप का सवाल आइए इस सवाल को जल्दी से देखते हैं वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित छह प्रतिशत वार्षिक वर्ष ब्याज दर पर वर्ष ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए 28000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है इस सवाल की एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक आपको बताता हूं जब भी अपना एक साल के लिए सवाल आएगा तो वार्षिक और अर्ध का अंतर आपसे पूछे सीधे क्या कर दो बेटा इस दर को आधा कर लो और इसका उतना निकाल दो मतलब इसका आधा कितना होगा आप बता सकते हो 6% का आधा 3% इसका 3% निकालो 3 8 24 2 छ दो आठ कर लिया बस एक बारी और कर दो भाई इसका तीन परसेंट और इस बार आंसर है जीरो तीन चौके बारह चौबीस और पच्चीस यही है हमारे एक साल में वार्षिक और अर्धवार्षिक का डिफरेंस यानी कि क्या आएगा मेरे भाई ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू आएगा ठीक है तो चलिए एक सवाल और इस तरह का करवा देता हूं जल्दी से इस टाइप को कवर करके फिर अगले टाइप पे चलते हैं और बेटा यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका बेसिक भी मैं आपको सिखाता हूँ वो एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस चल रही है अगर आपने वो एप्लीकेशन की क्लासेस देखनी है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बीच में बता देना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से उस एप्लीकेशन के क्लास में जुड़ सकते हैं ये यह बेटा यहाँ पे यूपीएसआई के लिए

चाहिए ठीक है आइए अब इस सवाल को देखते हैं वही सवाल है वार्षिक और अर्धवार्षिक का डिफरेंस आपसे 10 परसेंट की रेट पर पूछ लिया तो रेट क्या कर लोगे मेरे भाई आधी सबसे पहले आप क्या करो इसका आधा कर दो इस रेट का आधा कर लो मेरे भाई पांच परसेंट होगी पांच परसेंट इसका निकाल दो पांच जीरो जीरो पांच नब्बे पैंतालीस चार पांच और चार चौदह एक बार और निकाल दो बस आखिरी है इसके बाद आंसर पांच पजे पच्चे पच्चीस दो चौदह पजे सत्तर दो बहत्तर यानी कि सेवनटी टू पॉइंट फाइव ऑप्शन जा रहा था तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगला सवाल देखिए आप निम्नलिखित प्रश्न में आपको पूछा गया इसके स्थान पर क्या आएगा तो ये भी सवाल बार बार आ रहा था हर शिफ्ट में आपने देखा एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है ये तो मेरे भाई यहां पे डायरेक्ट आप सवाल कैसे करते हैं आइए इसका तरीका सीखते हैं आप देखो इसके भी दो अंकों पे बार है इसके भी दो अंकों पे बार है इसके भी दो ही अंकों पे बार बार है 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 और एक अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं है। ठीक है तो आप इसे सीधे घटा सकते हो सीधे जोड़ सकते हो जैसे कि अगर मैं बात करूं इन दोनों को सीधे जोड़ सकते हो सत्ताईस और चौबीस कितना होगा तो चौबीस का दुगुना अड़तालीस और तीन इक्यावन हो जाएगा इक्यावन में से पच्चीस घटाओगे तो कितना आ जाएगा 26. या फिर ऐसे भी कर सकते हो बेटा पहले इसको घटा लो 27 में से 25 गया दो पांच में से तीन गया दो ठीक है तो दो और दो चार अब यहां पे दो बचा था दो को 24 के साथ जोड़ दो यानी के 26. समझ पाए मेरे भाई फिर से सुनो पांच में से तीन गया दो दो और दो चार 27 में से पच्चीस गया दो दो और चौबीस छब्बीस यानी के इतना हमारा बन गया अब एक बेहतरीन सा जी डब्ल्यू टी मैंने आपको अपनी क्लास में सिखाया है फिर से सिखा दूंगा अगर आप बैठ से जुड़ते हैं चार सौ छब्बीस है बेटा ये एक परिवार में तीन सदस्य है जो इस छत के नीचे नहीं रहता उसे हटा दीजिए और जितने रहते बेटा उतने नो लगा दीजिए और जो नहीं रहता उसके लिए जीरो यानी कि चार बाईस बटे में मेरे भाई सवाल का आंसर नो 422 बटे में 990 ऑप्शन नंबर बी एक और सवाल इसी टाइप का मैं आपको कराता हूं फटाफट इस सवाल का आंसर आप दे दीजिए चलिए जल्दी से इस सवाल को देखते हैं यहां पे भी सेम सवाल है तो सेम ही तरीका लगाएंगे पांच में से तीन गया दो चार मतलब कि हमारा चार बन गया सैंतीस से पैंतीस दो चौतीस छत्तीस हो बिल्कुल सही अब देखो एक परिवार में कितने सदस्य हैं तीन सदस्य जो इस छत के नीचे नहीं रहता उसको हटा देंगे जितने रहते हैं उसको नो लगा देंगे उतने ही और जो नहीं रहता है लेकिन इस दशमलव के इधर है उसके लिए जीरो तो 436 में से चार गया 432 बटे में नो सौ उम्मीद करता हूं कि एक सवाल अगर कम समझ में भी आया होगा तो दूसरा आपको पूरा समझ में आ रहा होगा फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं चलते हैं इस टाइप पे तो ये हमारा आ जाता है चौथा टाइप मदिरा से भरे एक पीपे में छह लीटर मदिरा निकाली जाती है और इसे पानी से भर दिया जाता है यह एक पर एक बार फिर से किया जाता है अब पी, पे में शेष मदिरा की मात्रा का पानी के साथ में जो मात्रा का अनुपात है है वो ये मतलब शेष भाग प्लस पानी वाला भाग तो मेरे भाई जो हम चीज निकाल रहे हैं उसके पास जो बच जा रही है उसके जो निकाली है उसके बदले हमने पानी मिला दिया तो बचा हुआ भाग और पानी वाला भाग अगर हम दोनों को जोड़ दे तो क्या हमारा कुल भाग आ जाएगा अरे हाँ या ना तो जैसे कि ये कह रहा है कि सोलह भाग है बचा हुआ भाग नो है तो टोटल भाग मतलब पच्चीस था लेकिन ये ये कब था जब हमारी प्रक्रिया दो बार दोहराई गई थी एक बार फिर से दोहराई गई एक बार पहले दोहराई गई तो यानी कि हमने कितनी बार ऐसा किया तो टू टाइम्स हमने ऐसा किया तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ हमें इसका मतलब ही नहीं है हमें तो ये देखना है कि हमारे पास शुरुआत में कितना था और बच कितना गया तो कितना भाग निकाला रिप्लेस किया तो ये कहता है छह लीटर तो शुरुआत में कितना था 30 लीटर और बच कितना गया 24 लीटर तो ये जानना चाहता है कितनी मदिरा थी तो 30 लीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा बी आइए एक और सवाल 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 इस इस तरह का कराता हूं ये देखिए को देखिए और इसका आंसर बता दीजिए आप कहेंगे सर देखिए शराब से भरे पीपे से चार लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से बदल दिया जाता है यह क्रिया एक बार और फिर से दोहराई जाती है की जाती है पीपे से शेष शराब की मात्रा का पानी तो सोलह और नौ पच्चीस मतलब कि चार और पांच पांच से चार का अंतर एक एक की वैल्यू चार तो चार पंजे बीस कर लोगे मेरे भाई इसमें पेन चलाने की आवश्यकता तो नहीं है इस सवाल को देखिए ये हमारा आखिरी टाइप है इसको देखते हैं एक बाल्टी में तरल ए और बी तेरह और चौदह ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन में कह सकता हूं बेटा क्योंकि इस बार के कॉन्स्टेबल 2024 में देखोगे आखिरी कुछ जो शिफ्ट है शायद तीस की सेकंड शिफ्ट होगी आपको यही वो सवाल है जो मिला था ठीक है आपने मिश्रण निकाला और उसकी जगह आपने दूसरी वैल्यू डाल दी लेकिन वो दूसरी वैल्यू कितनी डाली वहां पर यह पूछा गया था यहां पर वो दिया गया है आइए इस सवाल को कैसे करते हैं तरीका सीखते हैं सबसे फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं एग्जामिनर का एक बाल्टी में तरल ए और बी इस अनुपात में है यानी कि ए और बी किस रेसो में बेटा अगर बात करें आपने कहा सर तेरह और चौदह के रेसो में बहुत सुंदर ठीक है आपने एक 108 लीटर मिश्रण निकाला और फिर उसकी जगह पे आपने बी डाल दिया तो अनुपात कितना हो गया मेरे भाई आप कहोगे सात और आठ हो गया अच्छा एक बात बताओ आप ये बात जानते होंगे कि रेशो क्या है ना वास्तविकता को बताता है वास्तव में आपने जो किया वो रेशो में भी करोगे जैसे हमने जितना मिश्रण निकाला उतना ही आपने दूसरा डाल दिया तो शुरुआत में जितना मिश्रण टोटल था बाद में भी उतना ही हो जाएगा तो यहाँ पे टोटल था कितना और यहां पे कितना टोटल है पंद्रह बात समझ में आ रही है तो सत्ताईस थार अब पंद्रह टोटल गलत बात है भाई ये तो बराबर होना चाहिए तो हम लोग बेटा क्या करते हैं पंद्रह की गुना यहां पे कर दो और सत्ताईस की गुना नीचे कर दो या जैसे इन दोनों का एलसीएम कितना होता है आप जानते हो एक सौ पैंतीस होता है है ना तो नौ की सत्ताईस पंजे तो पांच की गुना यहां पे कर दो और पंद्रह का नंबर एक तो नौ की गुना अब बड़े ही आसान तरीके से आप समझो इस बात को कि ये जी चीज है ना अगर पूरे मिश्रण में बात करूं तो ये चीज पैंसठ थी जो आज तिरसठ है तो दो कम हो गई क्योंकि ये चीज कभी वापस आपने मिलाई नहीं जब ये निकाल ली एक बार तो निकाल ली फिर वापस आपने कभी मिलाई नहीं है तो दो का मतलब कितना मेरे भाई 108 लीटर है यानी कि सिक्स कितना है 54 टाइम्स है तरल बी की शुरुआत में मात्रा कितनी थी तो ठीक है भाई शुरुआत में अगर हमसे पूछा है तो पैसठ कितना गुना हुआ ये? चौवन गुना हुआ तो स्टार्टिंग में टोटल भाग था इतना और उसको किस तरीके से बांटेंगे तेरह और चौदह में बांट दो तेरह और चौदह कितना हुआ सत्ताईस। सत्ताईस की वैल्यू इतनी तो चौदह की वैल्यू कितनी समझ पाए चौदह की वैल्यू कितनी सबसे पहले हमने दोनों का टोटल बराबर किया टोटल के लिए एलसीएम लेकर हमने पांच की गुना यहां करी तो एक सौ पैंतीस नौ की गुना यहां करे तो एक सौ पैंतीस ये हुआ पैंसठ से तिरसठ दो कम दो का मतलब है एक सौ आठ यानी कि चौवन गुना तो फिर टोटल मिश्रण हमारा क्या था तो टोटल था पैंसठ गुना में ठीक है पैंसठ गुना में पैसठ गुना में चौवन और पैंसठ गुना में चौवन को हम लोग बांट सकते हैं तेरह और चौदह में ठीक है तो तेरह और चौदह में बांटेंगे सत्ताईस का मतलब इतना तो चौदह का मतलब इतना तो सत्ताईस से काटे मेरे भाई दो बार सत्ताईस और ये चौदह दून अट्ठाईस की गुना आप पैंसठ से कर सकते हो तो पैंसठ गुना में अट्ठाइस यही सवाल का सही जवाब है तो आंसर क्या होगा अठाईस पंजे एक सौ चालीस चौदह ठीक है ठीके? और अठाईस का छह छह अड़तालीस चार छह दूनी बारह और चार सोलह एक सौ अड़सठ एक सौ बयासी अठारह सो बीस तो अठारह सो बीस लीटर क्या था तरल बी की प्रारंभिक मात्रा थी ठीक है अब इसमें ऑप्शन को आप सात से डिवाइड कर सकते हैं वो बात अलग है बट यहाँ पे मैं आपको जो तरीका सिखाया आइए अब इस सवाल पे लगाते हैं सेम क्वेश्चन का सवाल आप देख सकते हैं सेम टाइप है ये अपना सेम टाइप का सवाल है और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो भी बच्चे इन तरीके को सीखना चाहते हैं ना तो यूपीएसआई के इस क्लास से जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि 12 सितंबर से हमारी क्लास शुरू हो रही है और 10 सितंबर से पहले नौ सौ निन्यानवे में मैं आप इसे जुड़ते हैं तो 2024 का ये सपना दो हजार इक्कीस पूरा फुल एक्सपीरियंस है विद क्वालिफाइड ठीक है और आप जानते हैं आपके बड़े भाई मुझसे पढ़े हैं तो आपको बेहतर तरीके से इस चीज के बारे में बता सकते देखो बेटा ये सवाल फिर से तो ऐसे सवाल को आप सीख गए हैं तो बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे ठीक है सवाल आपके लिए मैं होमवर्क रख देता हूं ठीक है ताकि आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दे। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप पिछले सवाल को एक बार फिर से देखिएगा और इसको करिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मैं मिलता हूं फिर से एक और बेहतरीन क्वेश्चन के सेशन के साथ तो कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा टाइप कवर करेंगे जिससे आपको क्या होगा पूरे यूपीएसआई दो हजार इक्कीस के सभी क्वेश्चन और पैटर्न का पता चल जाएगा तो ठीक है जुड़े रहिएगा इस सेशन के साथ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बाकी बच्चों को भी बता दीजिएगा थैंक यू लव यू ऑल जय हिंद जय भारत एग्जाम